एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ललिताज इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश जिन भी लोगों को बेसिक से सीखना है, बिल्कुल शुरुआत से, अगर आपको केवल ABCD आती है और उसके अलावा आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं और इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की परेशानी को हटाने के लिए मैं आज से एक सीरीज शुरू कर रही हूँ बेसिक वोकेबलरी की। हम बेसिक वोकेबलरी सीखेंगे और एक एक वीडियो में हम 20 ऐसे शब्द सीखेंगे जो हमारे आसपास ही हैं और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हम इंग्लिश में सीखेंगे। पहला शब्द सीखते हैं, ताला। आप सब ने घर में ताले देखे होंगे जो हम लगाते हैं घरों में, तो ताला को इंग्लिश में कहते हैं LOCK, लॉक, LOCK, लॉक। अगला जो शब्द है वो है चाबी। अब ताला है तो उसकी चाबी भी होगी, तो चाबी को इंग्लिश में कहते हैं KEY, की, KEY, की। अगला शब्द है माचिस। आप सबने माचिस देखी होगी, माचिस की डिब्बी होती है, हम उसको इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स, MATCH, मैच, BOX, बॉक्स, मैच बॉक्स। अगला जो शब्द है वो है नाव। नाव को इंग्लिश में कहते हैं BOAT, बोट, BOAT, बोट। अगला जो शब्द है वो है पर्दा। पर्दा को इंग्लिश में कहते हैं कर्टेन, कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दीवार। घरों में दीवारें होती है तो दीवार को इंग्लिश में कहते हैं वॉल, WALL, वॉल। अगला शब्द है पत्तियाँ। पेड़ों की पत्तियाँ होती है तो पत्तियों को इंग्लिश में कहते हैं लीव्स, लीव्स, LEAVES, लीव्स। अगला शब्द है हमारा आज का जहाज। जहाज को इंग्लिश में कहते हैं शिप, SHIP, शिप। शब्द है मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहते हैं, कैंडल, CANDLE, कैंडल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दीवार घड़ी। अब घड़ियाँ अलग अलग होती है, एक होती है हाथ में पहनने वाली और एक होती है दीवार घड़ी, तो दीवार घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। अगला शब्द है फर्श। हमारे घरों में फर्श होता है तो फर्श को इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं, FLOOR, फ्लोर। जो शब्द है वो है बांसुरी। बांसुरी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लूट, FLUTE, फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कीचड़। कीचड़ को इंग्लिश में कहते हैं मर्ड, MUD, मर्ड। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गली। गलियाँ होती है छोटी छोटी, सकरी सकरी, तो गलियों को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स। शब्द है वो है कलियाँ। फूल जब खिलता है इससे पहले कली होती है, तो कलियों को इंग्लिश में कहते हैं बर्ड्स, BUDS, बर्ड्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नाली। जहाँ से पानी निकलता है तो नाली जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन, DRAIN, ड्रेन। और आज का लास्ट जो वर्ड है इस वीडियो का वो है झूला। आप सबने सावन के महीने में बहुत झूला झूला होगा, तो झूले को इंग्लिश में कहते हैं स्विंग, SWING, स्विंग। मैंने आपको बेसिक वोकेबलरी के कुछ शब्द बताए। अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही शब्द देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।